ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। हाय। पापा। गुड इवनिंग सर। पापा विजय। हेलो। सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। विजय। ये देखने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे या फिर मोहनजोदड़ो पर रिसर्च करने वाले कोई उबाऊ आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ये तो हजाम निकले। सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ दो दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे दो परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं, पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना, बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा बैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं, मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूँ। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए, आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप राजी नहीं है तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। सर, आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नजर से देख रहे हैं, समझ सकता हूं, मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना, इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूं। मैंने तो बंदूक। थैंक यू सर, अगर आप ये कॉफी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। प्लीज पापा। क्या किया ये?
गलती से लग गया। अब चलो यहाँ से। पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए। रहता रुको। चलो। चलो। ब्लैक टी ले गया जीने कम, लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सस्रियाकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी। मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया यार। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊंगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने की तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। ऐसे भी कर मत मार, मैं उन्हें मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े, चाय भी नहीं पिलाई। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। ए, हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। वो ससुराल इतनी आसान मौत नहीं मरेगा, ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे। हाँ भैया। कल मेरी नाइट शिफ्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके। कल मैं। स्मिता। ओके, मैं चलती हूँ स्मिता, बाय। बच्चों की तरह रूठ कर मुझसे 2 दिन से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ? नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों? ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो ये तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तो चाहती क्या हो? एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब तुम डर रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विजय। कल उस गुंडे ने सिर्फ तुम्हें घायल नहीं किया, बल्कि मुझे, पल्लवी, बुआ, पापा, सब लोग, पता है हम कितना डर गए थे। स्मिता, सब देख रहे हैं। स्मिता, रुको रुको, काम डाउन। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कि इसका सलूशन क्या है। क्या करूं मैं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। पुलिस की जॉब छोड़ दो, हम फौरन शादी कर लेंगे। जॉब नहीं छोड़ सकते तो ऑटो रुकवा दो, मैं अभी घर चली जाऊंगी। जाने से पहले कम से कम हाथ ही मिला लो। कितने बेदर्द हो तुम, मुझे रोका भी नहीं, छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे। ये तो जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पुलिस की नौकरी से भी करता हूँ, ये बात समझ लो। इसलिए जॉब के लिए तुमको या तुम्हारे लिए जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, फाइनल। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिगर मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ओ, इतनी रात गए, चलेगा क्या? दौड़ेगा। हाय।
मेरा राजा बेटा, क्या चाहिए तुझे? क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। I feel complete. मतलब मैं समझा नहीं। प्यार करने वाला हस्बैंड, माँ से ज्यादा केयरिंग सास और एक परी जैसी नन्ही बेटी, और क्या मांग सकती हूँ? So I feel complete. Idiot, बोलती हो क्या मांग सकती हो? अरे मैं तो नीवी को गिफ्ट में छोटा सा भाई देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत होगी पर तब जाके सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ माँ, इसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई है। दूध खुद को कम और कपड़ों को ज्यादा पिलाया है। मैं इसे ऊपर ले जाकर नहला देती हूँ। तुम तब तक रसोई साफ कर लो, उसके बाद ऊपर आकर आराम कर लेना। मेरी लाडली को भाई चाहिए। लो अब तो माँ भी समझ गई। तुम कब समझोगी? सॉरी बट नॉट इंटरेस्टेड, मैं निवी के साथ खुश हूँ। ओके, लेकिन तुम्हारा भी कुछ सपना होगा ना, कोई बड़ा सा सपना, कुछ भी। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, जब दिल हो तब बारिश होने लगे, एकदम प्यारा मौसम हो, और हमारा छोटा सा घर हो जहाँ पर बहुत सारे पंछी हो, और तुम्हारी नौकरी ऐसी हो कि तुम देर से जाओ और जल्दी से घर आ जाओ, और एक टू व्हीलर हो जिसमें निवी को बिठा कर स्कूल ड्रॉप करो, न टीवी हो न मोबाइल, फेस टू फेस चैटिंग हो, एक प्यारा सा डॉगी हो, उसका नाम होगा टाइगर। बिना किसी डिस्टरबेंस के हम तीनों अकेले अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहें। एक दिन के लिए ही सही। बेबी, ये तुम्हारा सपना है? पाटो, नाउ यू टेल मी हाउ मच यू लव मी। तुम ऐसी वाइफ हो जिसके लिए मैं जितनी भी स्मिता, फिकर मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। का कहते हो बाबुआ, सुन सकते हो कि नहीं? तुम्हारी वाइफ तो यहाँ है, घर के बाकी लोग कहाँ है? ऊपर से आवाज आ रही है। ओ हाँ, तो ऊपर चलो। का कर रहा है ये? मेरी प्यारी गुड़िया, कोई आया है ना? मैं देख कर आती हूँ, तू यहीं रुकना। हाँ बेबी। कौन है आप? अरे भाई, वो हमसे कुछ कहना चाहती थी, मौका भी नहीं दिए। प्रणाम, हमारा नाम है बनमाली। अपने बबुआ को दिवाली की शुभकामनाएं देने आए थे। नीचे दोनों बहुत मजा में है, आप आराम से नर्क में जा सकती हैं।
झूठ बोलना पड़ा ताकि आराम से नर्क जा सके, है कि नहीं? भैया उसकी औलाद तो नहा रही है। ओ ले ले ले। इला बचवा मजा आला, अच्छे से नाओ, एंजॉय टलो। अरे रे रे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बचाना है हमको इससे। कैसे हो बबुआ बेचारा? एक तो बात पूछना चाहते हैं, तो हर पाइप मर चुका है, माँ का टिकट कट चुका है, बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता मर ही जाएगी। कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया, चाहते तो एक ही झटके में सबको मार देते। धीरे धीरे मरने में जो बात है उसका मजा ही कुछ और है। अरे झटके में क्या मजा है? तुम बहुत बड़ा भूल कर दिए हो विजय कुमार। तुम भूल कैसे गए कि एक बुढ़ा बाप अपने बेटे का बदला नहीं लेगा? बहुत हल्के में ले लिए तुम हमको, अब नतीजा देख रहे हो? एक एक करके तुम्हारे सारे अपने इस दुनिया को गुड बाय कह रहे हैं। हमको एक बात बताओ, तुमने कहा हमको लल्लू समझ लिया था कि हम तो हर परिवार को इस तरह बख्श देंगे। धीरे 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 सब खतरा, खाकी यूनिफॉर्म पहन के भी परिवार का रक्षा नहीं कर पाया तुम। महसूस हो रहा है दर्द? बहुत तरस आता है तुमको इस हालत में देखकर। काले पुलिस या पुलिस का कुत्ता आए, इस खून के बारे में किसी को कोई सबूत ना मिलने पाए, ठीक है? हाँ भैया। अरे रे 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 रे, एक मिनट, गंगा में प्रवाहित करने के लिए इनके अस्थियां जरूर ले लेना, समझो कि नहीं? पापा बन सकते हो तो निवी को अपने साथ ले जाओ। अगर तुम फिर पुलिस वाले बनोगे तो निवी को यहीं छोड़ दो। Ma
माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। Ugh.